हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एसवी मेडिकोस चैनल। आज एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है हर्निएशन ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक से आपको किसी भी टाइप का डाउट होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट आई होप क्लियर हो जाए, तो इसलिए आप हमारे वीडियो पर शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने टॉपिक का नाम बताया हर्निएशन ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो हम इस टॉपिक को, इस सारे नाम को हम क्लियर करेंगे कि हर्निएशन का मतलब क्या होता है, इंटरवर्टिब्रल का मतलब क्या होता है और डिस्क का मतलब क्या होता है। तो अगर हर्निया जहाँ पे भी वर्ड इंक्लूड होता है तो ज़रूरी नहीं है कि जो हर्निया होता है ओनली इंटरवर्टिब्रल डिस्क में ही हो। जो हर्निएशन होता है वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि क्या क्या हर्निया देखने को मिलता है, फ्यूमोरल हर्निया, इनगोइनल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, हाइटस हर्निया। बट हम यहाँ पे हर्निएशन किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के हर्निएशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे हर्निया का मतलब होता क्या है। फ्रॉम हर्निया ए पार्ट ऑफ द बॉडी दैट बल्ज आउट थ्रू एन एबनॉर्मल ओपनिंग, यानी कि बॉडी का जो भी पार्ट होता है वो एबनॉर्मल ओपनिंग के थ्रू बल्ज आउट होता है, उसको हम कहते हैं हर्निया। अब हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है। तो वर्टिब्रल कॉलम को हम स्पाइनल कॉलम या फिर बैक बोन के नाम से भी जानते हैं। जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है वो 33 यानी कि छोटी छोटी 33 बोन से मिलकर बनी होती है। जो प्रत्येक वर्टिब्रा होता है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के थ्रू सेपरेट हुई रहती है। अब हम समझेंगे डिस्क का मतलब क्या होता है। द डिस्क शेप्ड कुशन बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्पाइन, यानी कि बोन्स और स्पाइन के बीच जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं डिस्क। आई होप कि जो हमारा टॉपिक है उसके नाम आपको क्लियर हो गए होंगे। अब अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे डेफिनेशन। इन हर्निएशन ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क का डेफिनेशन ये होता है कि जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो अपने नॉर्मल मार्जिन यानी कि अपने नॉर्मल जगह से वो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हर्निएशन ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जब हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क अपने नॉर्मल जगह से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी उस दौरान क्या होता है, जो हमारा मायोटोमल होता है और जो हमारा डर्मेटोमल होता है वहाँ पे नमनेस, वीकनेस और पेन देखने को मिलता है। मायोटोमल का मतलब क्या होता है, मायो का मतलब होता है मसल, यानी कि हमारी जो स्पाइनल नर्व रूट की मसल एरिया होती है वहाँ पे नमनेस, वीकनेस और पेन देखने को मिलता है। वैसे ही डर्मेटोमल यानी कि हमारी जो स्पाइनल नर्व रूट की जो स्किन लेयर होती है, जो स्किन एरिया होता है वहाँ पे वीकनेस, नमनेस और पेन देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करेंगे। दी हर्निएशन में अकर इन एनी पोर्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि जो हर्निएशन होता है वो वर्टिब्रल कॉलम के किसी भी पोर्शन में हो सकता है। किसके वजह से हो सकता है, दी प्रेशर ऑन द स्पाइनल नर्व रूट, यानी कि स्पाइनल नर्व रूट पे प्रेशर पड़ने की वजह से हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है उसमें हर्निएशन डेवलप होता है। द स्पाइनल कॉर्ड कॉज सीवियर क्रॉनिक और रिकरेंट बैक एंड लेग पेन, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे जो बैक साइड होते हैं और जो लेग होता है वहाँ पे क्रॉनिक पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है। अबाउट 90% ऑफ हर्निएटेड डिस्क इन्वॉल्व द लंबर एंड लंबोसेक्रल स्पाइन, यानी कि 90% केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि जो हर्निएशन होता है वो लंबोसेक्रल स्पाइन में देखने को मिलता है। कॉमनली इसका साइट क्या होता है, L4 एंड L5 जो डिस्क होते हैं, जो स्पेस होता है ये ज़्यादातर अफेक्टेड देखने को मिलता है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है वो 33 छोटे छोटे बोन से मिलकर बनी होती है, जिसमें होता है सर्वाइकल होता है, थोरेसिक होता है, लंबर होता है, सेक्रम होता है और कॉकीज होता है। तो हमारी जो लंबर रीजन होती है, लंबो सेक्रल जो स्पाइन होती है वहाँ पे हर्निएशन देखने को ज़्यादा चांस मिलता है, यानी कि 90% केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। इसमें इसे मेडिकल कंडीशन अफेक्टिंग द स्पाइन, यानी कि इसमें क्या होता है कि हमारी जो स्पाइन होती है उसको अफेक्ट करता है इस डिजीज़ में, जिसमें क्या होती है कि जो हमारी आउटर फाइब्रस रिंग होती है जिसको हम एनुलस फाइब्रोसस के नाम से जानते हैं, वो रिंग टीयर होने लगती है, यानी कि वो जो लाइनिंग होती है वो टीयर होने लगती है, जिसके कारण इसके सराउंडिंग में यानी कि इसके सेंट्रल पोर्शन में एक जेल लाइक स्ट्रक्चर
भरा पड़ा होता है, जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस के नाम से जानते हैं, ये लीकेज होने लगते हैं। अब हम समझेंगे एनुलस फाइब्रोसिस क्या होता है और न्यूक्लियस पल्पोसस क्या होता है, इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको हम क्लियर करेंगे। तो हम न्यूक्लियस पल्पोसस को समझेंगे, क्या होता है न्यूक्लियस पल्पोसस। दिस इज द इनर जेल लाइक पोर्शन ऑफ द डिस्क, यानी कि डिस्क के बीच में एक जेल लाइक पोर्शन भरा होता है, उसी को हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। जो कि क्या करता है ये न्यूक्लियस पल्पोसस, आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन और स्ट्रेंथनिंग यानी कि मजबूती प्रोवाइड करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है वो हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन हम समझेंगे एनुलस फाइब्रोसिस, इसका मतलब क्या होता है। दिस इज द टफ आउटर लेयर, यानी कि ये क्या है, एक हार्ड लेयर होती है, आउटर लेयर होती है सराउंडिंग द न्यूक्लियस पल्पोसस, जो कि न्यूक्लियस पल्पोसस के को चारों तरफ से घेरे रहती है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है वो एक जेल लाइक फ्लूड ये भरा पड़ा होता है, कहाँ पे, डिस्क के अंदर, और इसके चारों तरफ एक हार्ड लेयर होती है। इस लेयर को हम क्या कह रहे हैं, एनुलस फाइब्रोसिस। अगर यही लेयर कहीं से टियर कर जाती है तो ये जो जेल लाइक पोर्शन इसमें भरा है ये लीकेज होने लगता है। तो यही डिजीज में हमको देखना है कैसे कैसे इसका क्लासिफिकेशन है, उसमें हम समझेंगे कैसे। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हर्निएशन, जिसमें फर्स्ट है डिजनरेशन। डिजनरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ फ्लूइड इन न्यूक्लियस पल्पोसस, यानी कि जो डिस्क के अंदर न्यूक्लियस पल्पोसस यानी कि जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो लॉस होने लगता है, ड्राई होने लगता है। सेकेंड स्टेज प्रोट्यूजन, प्रोट्यूजन में क्या होता है, बल्ज इन द डिस्क बट नॉट कम्प्लीट रप्चर। जो डिस्क होता है वो बल्ज तो होता है लेकिन जो उसकी आउटर हार्ड लेयर होती है वो कम्प्लीट रूप से रप्चर नहीं हुई होती है। नेक्स्ट है प्रोलैप्स, प्रोलैप्स में क्या होता है, न्यूक्लियस फोर्स्ड इनटू आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनुलस फाइब्रोसस नॉट ए कम्प्लीट रप्चर, यानी कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है वो फोर्स तो करती है आउटर लेयर को, बट जो एनुलस फाइब्रोसस जो कि आउटर लेयर होती है वो कम्प्लीट रूप से रप्चर नहीं हुई होती है। नेक्स्ट है एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन में क्या होता है, ए स्मॉल होल इन एनुलस फाइब्रोसिस एंड फ्लूड मूव इनटू द इपिड्यूरल स्पेस, यानी कि जो एनुलस फाइब्रोसिस होता है जो कि आउटर हार्ड लेयर होती है ये इसमें स्मॉल होल हो जाता है, जिसके कारण इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस पल्पोसस वो फ्लूइड क्या होती है, मूव होकर इपिड्यूरल स्पेस में चली जाती है। नेक्स्ट है सिक्यूट्रेशन, इसमें क्या होता है, डिस्क फ्रेगमेंट स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ डिस्क एरिया, यानी कि इसमें जो डिस्क होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, फर्स्ट इमेज में है यानी कि फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा था, फ्लूइड का लॉस होना, यानी कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस हो रहा है वो लॉस हो रहा है। सेकेंड में क्या हो रहा था कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस यानी कि जो फ्लूइड है वो फोर्स तो कर रहा है लेयर को, बट अभी लेयर क्या हुई है, रप्चर नहीं हुई है। एक्सट्रूजन में क्या हो रहा था कि जो लेयर है वो रप्चर हो जाती है और उसके अंदर जो न्यूक्लियस पल्पोसस प्रेजेंट है फ्लूइड वो मूव होने लग रही है। और थर्ड स्टेज में क्या हो रही है, जो भी डिस्क है यानी कि जो भी लेयर होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है और आगे की तरफ दूसरे एरिया में जाने लगती हैं। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे इमेज के थ्रू, हम यहाँ क्लियरफाई करेंगे कि हर्निएशन ऑफ द डिस्क क्या होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल डिस्क होता है वो बिल्कुल नॉर्मल कैसा देखने को मिलता है, एकदम हेल्दी होता है। सेकेंड होता है डीजनरेटिव डिस्क, जो कि यहाँ पे डीजनरेशन होना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट है बल्जिंग डिस्क, जो कि इस वाले एरिया में अब क्या हो गई है, बल्जिंग हो गई है। नेक्स्ट है हर्निएटेड डिस्क, हर्निएटेड डिस्क में क्या होती है, जो इसकी लेयर होती है उसको भी वो ओपनिंग के थ्रू वो बाहर निकल जाती है हर्निएशन में, यानी कि हर्निएशन में मैंने पहले भी बताया कि क्या होती है, एबनॉर्मल ओपनिंग के थ्रू जो ऑर्गन होती है वो बल्ज आउट हो जाती है। तो यहाँ पे वही कंडीशन डेवलप हुआ है कि एबनॉर्मल ओपनिंग के थ्रू ये क्या हो रहा है, हिस्सा बल्ज आउट हो गया है। उसके बाद जो डिस्क होता है थिनिंग देखने को मिलती है यहाँ पे, उसके बाद
ऑस्टियोफाइट का फॉर्मेशन होने लगता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इमेज में हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि नॉर्मल डिस्क कौन सा है और हर्निएटेड डिस्क कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। जो कि नॉर्मल डिस्क में कहीं भी हर्निएशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि हर्निएटेड डिस्क में क्या है कि प्रेशर पड़ने की वजह से, यानी कि स्पाइनल नर्व रूट पे प्रेशर पड़ने की वजह से ये एरिया क्या हो गया है, बल्ज आउट हो गया है, हर्निएट हो गया है। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हर्निएशन ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। आई होप कि इतने इमेज समझाने के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेज। कॉजेज में फर्स्ट है एजिंग, यानी कि ओवर एज होने की वजह से भी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में हर्निएशन हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रॉमा और रिकरेंट लोडिंग, यानी कि अगर किसी टाइप की स्पाइनल नर्व में इंजरी होती है या फिर रिकरेंट इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है, इसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है एनुलस फाइब्रोसिस डिसरप्शन और टीयर, यानी कि जो आउटर लेयर थी हार्ट, जो आउटर लेयर थी डिस्क की, वो क्या हो रही है, अगर टीयर कर जा रही है, उसके वजह से भी ये कंडीशन डेवलप हो रहा है। ओबेसिटी की कंडीशन में भी डेवलप हो सकता है ये डिजीज कंडीशन, या फिर वो पर्सन जो अपनी अपर बॉडी को प्रॉपर रूप से मूवमेंट नहीं प्रोवाइड करता, उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है। या वो पर्सन जो एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल या स्मोकिंग का यूज़ कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये डिजीज कंडीशन डेवलप हो सकती है उसके बॉडी में। या फिर रेगुलर एक्सरसाइज में अगर कमी आती है, उस कंडीशन में हो सकता है। या वो पर्सन अगर जो अपने जो भी लेबर होते हैं, जो वर्कर होते हैं, वो अपने पीठ पे कोई भी भारी सामान को अगर कंटिन्यू वो उठाते हैं, तो उस कंडीशन में भी उनकी जो स्पाइनल नर्व होती है वो डैमेज होती है, जिसके कारण ये कंडीशन डेवलप हो सकता है। या जो पर्सन एनजाइटी और डिप्रेशन में रह रहे हैं, उनके वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है वुमेन विथ ग्रेटर नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि वो वुमेन जो कि मल्टी ग्रेविडा वाली फीमेल होती हैं, जैसे कि उनके दो या दो से अधिक बच्चे उन्होंने डिलीवर करवाया है, तो उस कंडीशन में भी जो उनकी स्पाइनल नर्व होते हैं वो वीक पड़ जाती हैं और ये कंडीशन डेवलप उनके बॉडी में हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में फर्स्ट है नमनेस एंड टिंगलिंग। नमनेस एंड टिंगलिंग कब हो रही है, जब हमारी बॉडी की जो नर्व सप्लाई होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, उस कंडीशन में क्या हो रही है, नमनेस एंड टिंगलिंग डेवलप हो रही है। वीकनेस के वजह से क्या हो रहा है, यानी कि जब पोर्शन की जो मसल्स है वो वीक पड़ जा रही है, जिसकी वजह से जब वो वॉक करता है तो उसको स्टम्बलिंग की शिकायत बनी रहती है, यानी कि ठोकर भी लग सकता है ड्यूरिंग द वॉकिंग। नेक्स्ट है पेन, दिस अगर इन द स्पाइन, यानी कि जो पेन है वो स्पाइन में ओरिजिन होता है एंड कैन स्प्रेड द आर्म्स एंड लेग। स्पाइन में ओरिजिन तो पेन होता है, लेकिन वो स्प्रेड करते हुए किसको अफेक्ट करेगा, आर्म्स को एंड लेग्स को। नेक्स्ट है इफ द हर्निएटेड डिस्क इन द लोअर बैक, अगर हर्निएटेड डिस्क लोअर बैक साइड में हो रहा है, तो पेन ऑफन अफेक्ट बटक, तो पेन किस किस को अफेक्ट करेगा, कौन कौन से रीजन को, बटक को अफेक्ट करेगा, क्लैप्स को अफेक्ट करेगा, और मे बी पॉसिबल है तो फिट को भी अफेक्ट करेगा। ऑफन रेफर टू एज सियाटिका बिकॉज, यानी कि जो सियाटिका नर्व्स होती है हमारे लेग्स में, उसको भी अफेक्ट करेगा। बिकॉज द पेन ट्रेवल्स अलॉन्ग द पाथ ऑफ द सियाटिक नर्व, यानी कि जो सियाटिक नर्व्स होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है, तो उस दौरान क्या होती है, इसी से ट्रेवल करते हुए ये पेन एक जगह से दूसरे जगह ये ट्रांसफर होता रहेगा। नेक्स्ट है इफ द सर्वाइकल प्रॉब्लम द पेन अकर इन द नेक द शोल्डर्स एंड आर्म्स, अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो उस दौरान क्या होती है, जो पेन होता है वो नेक को अफेक्ट करता है, शोल्डर को अफेक्ट करता है और आर्म को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे डायग्नोसिस, जिसमें फर्स्ट है हिस्ट्री टेकिंग, यानी कि इसमें पेशेंट का हम पूरी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि पेशेंट का जो आइडेंटिफिकेशन डाटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, स्पेशली उसके जो स्पाइनल एरिया होती है उसका हम एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरे। एक्सरे में हम ये देखते हैं कि जो स्पाइनल या जो वर्टिब्रा होते हैं उसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, या फिर उसके आउटलाइन जो भी ज्वाइंट्स होते हैं उसको भी हम देखते हैं कि किस कारण उसमें पेन अराइज हो रहा है, या अगर उसके स्पाइनल कैनाल में किसी भी टाइप का ट्यूमर या इन्फेक्शन या उसमें फ्रैक्चर हो गया होता है, तो उस कंडीशन को भी हम एक्सरे के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, ये भी एक प्रकार का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। इसमें भी हम क्या करते हैं, इमेज को क्रिएट करते हैं और इसमें भी हम स्पाइनल कैनाल के साइज शेप को हम देखते हैं, या स्पाइनल कैनाल के जितने भी कंटेंट्स एरिया होते हैं उनके स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है एमआरआई। एमआरआई भी क्या है, एक प्रकार का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसमें कि हम 3D इमेज के थ्रू जितने भी स्पाइनल कैनाल के स्ट्रक्चर होती है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि स्पाइनल कैनाल के नर्व रूट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि इसमें इनलार्जमेंट कहाँ से हुआ है, कहाँ से जो डिस्क है वो हर्निएटेड हुआ है, डीजनरेशन कहाँ पर हो रहा है, या फिर ट्यूमर का फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ है, इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम एमआरआई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट माइलोग्राम। माइलोग्राम में हम क्या करते हैं कि इंजेक्शन के थ्रू कंट्रास्ट मटेरियल, यानी कि कंट्रास्ट मटेरियल एक प्रकार का चमकीला पदार्थ होता है, उस मटेरियल को हम क्या करते हैं इंजेक्शन के थ्रू स्पाइनल कैनाल में हम इंसर्ट करते हैं। उसके बाद ये क्या होता है कि हम ये देखते हैं स्पाइनल कैनाल में जब हम इंसर्ट करेंगे उस मटेरियल को, तो हम एक्सरे फिल्म पे ये देखेंगे कि वो मटेरियल कहाँ पे जाकर रुका पड़ा है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है उस चीज़ को देखेंगे, या फिर स्पाइनल कैनाल पर कैसे प्रेशर पड़ रहा है, नर्व रूट कैसे हर्निएट हुए हैं, या उसमें अगर किसी भी प्रकार का ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है या बोन स्पर्स हो रहा है, उस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम माइलोग्राम करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड नर्व कंडक्शन टेस्ट। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, दिस टेस्ट मेजर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अलोंग नर्व रूट्स, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं जो स्पाइनल कैनाल की नर्व्स रूट होती हैं उनके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को मेजर करते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम, यानी कि जैसे जैसे उसको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहा है उस पेशेंट में, वैसे हम क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। इसमें फर्स्ट है नर्व पेन मेडिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं पेन को ट्रीट करने के लिए ये जितने भी मेडिसिन होते हैं इनको प्रोवाइड करके उनको उनके पेन को हम रिलीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्टिसोन इंजेक्शन। इसमें दिस कैन बी इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द एरिया ऑफ द हर्निएशन हेल्थ, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं जो भी मेडिसिन होता है उसको डायरेक्ट हम हर्निएशन वाले एरिया पे हम इंजेक्ट करते हैं, ताकि वहाँ पे जो भी इन्फ्लामेशन या पेन एराइज हो रहा है उससे पेशेंट को रिलीफ मिल सके। नेक्स्ट नेक्स्ट है इपीड्यूरल इंजेक्शन। इसमें एक डॉक्टर क्या करता है, ए डॉक्टर इंजेक्ट स्टेराइड एंड एनेस्थेटिक एंड इन एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन, यानी कि एक जो डॉक्टर होता है वो एंटी स्टेरॉयड मेडिकेशन या फिर एनेस्थेटिक या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन को क्या करता है इपीड्यूरल स्पेस में इंसर्ट करता है, जिससे क्या होता है विच इज एन एरिया अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, दिस कैन हेल्प मिनिमाइज पेन एंड स्वेलिंग इन एंड अराउंड द स्पाइनल नर्व्स रूट, जिसके कारण जो भी स्पाइनल नर्व्स रूट्स में स्वेलिंग या फिर इन्फ्लामेशन या पेन इराइज हो रहा है उससे वो पेशेंट रिलीफ पा सके। नेक्स्ट है मसल रिलैक्जेंट। इसमें क्या होता है दिस हेल्प रिड्यूस मसल स्पाज, यानी कि मसल रिलैक्जेंट जो ड्रग्स होता है मसल स्पाज्म को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट है आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट। ये आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट जो होता है वो टू टाइप का होता है, एक होता है टोटल और एक होता है पार्शियल। तो टोटल में हम क्या करेंगे पूरे डिस्क को हम रिप्लेसमेंट कर देंगे, और सेकेंड यानी कि पार्शियल में हम क्या करते हैं कि जो डिस्क जिसमें न्यूक्लियस पल्पोसस भरा होता है उस डिस्क को हम क्या करते हैं रिप्लेसमेंट करते हैं, उस इस प्रोसीजर को हम कहते हैं पार्शियल डिस्क रिप्लेसमेंट, और जिसमें हम टोटल डिस्क को हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं टोटल डिस्क रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट है सर्जरी डिसेक्टोमी। डिसेक्टोमी में क्या होता है दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सर्जरी, ये बहुत ही कॉमन सर्जरी होता है यूज्ड फॉर हर्निएटेड डिस्क, जो कि हर्निएटेड डिस्क में इसका यूज किया जाता है। द लंबर रीजन इन दिस प्रोसीजर द पोर्शन ऑफ द डिस्क दैट कॉजिंग द प्रेशर ऑन योर नर्व रूट
रिमूव द सर्जन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि जो डिस्क अफेक्टेड हो गया है या जिसके वजह से नर्व पे प्रेशर पड़ रही है, उस डिस्क को हम क्या करते हैं, सर्जिकली रूप से रिमूव कर देते हैं। उस प्रोसीजर को हम कहते हैं डिसेक्टमी। नेक्स्ट सर्जरी है लेमिनेक्टमी। लेमिनेक्टमी में क्या होता है, द लेमिना इज ए पार्ट ऑफ द वर्टिब्री, यानी कि जो लेमिना होता है वर्टिब्री का एक पार्ट होता है जो क्या करता है, दैट कवर एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कैनाल। ये स्पाइनल कैनाल को प्रोटेक्ट करती है और उसको कवर करके रखती है। इस प्रोसीजर में हम करते क्या है, जो डॉक्टर होता है वो सर्जिकली ऑपरेशन के थ्रू एक या एक से अधिक वर्टिब्रा को जो अफेक्टेड है उस वर्टिब्रा को रिमूव करके बाहर हटा देता है। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं लेमिनेक्टमी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे कैसे करते हैं अगर कोई हर्निएशन ऑफ द डिस्क वाले डिजीज से सफ़र कर रहा है तो। फर्स्ट है इसमें बेड रेस्ट ऑन फॉर्म मेट्रस, यानी कि उसको हम बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे ऐसे मेट्रस पे जिसमें वो खुद को पेशेंट कंफर्टेबल फील कर सके, यानी कि हार्ड सरफेस पे उसको हम बेड रेस्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, जिसके वजह से 2 दिन के बाद वो खुद को अच्छा महसूस करेगा। और इस यानी कि बेड रेस्ट प्रोवाइड करने से 80% ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हीट और आइस मसाज टू अफेक्टेड एरिया, यानी कि अफेक्टेड एरिया पे हीट या फिर आइस मसाज करके भी हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी के बारे में उस पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट इपीड्यूरल स्टेराइड इंजेक्शन मे बी एडमिनिस्टर्ड, यानी कि अगर उसको इन्फ्लामेशन या पेन इराइज हो रहा है बैक साइड में तो उस दौरान हम क्या करेंगे, इपीड्यूरल स्टेरॉयड मेडिकेशन इंजेक्शन के थ्रू हम एडमिनिस्टर करते हैं पेन और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है एजुकेट द क्लाइंट रिगार्डिंग लाइफ स्टाइल चेंजेस, यानी कि पेशेंट को हम क्या कहेंगे, उसके लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए हम एडवाइस करेंगे। जैसे कि अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है या फिर हैवी लिफ्टिंग कर रहा है तो उस दौरान इस चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन अबाउट रिगार्डिंग बैक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उस पेशेंट को हम ये आदेश देंगे कि उसके जो भी बैक एनाटॉमी यानी कि जो भी वर्टिब्रल कॉलम की उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती है उसके बारे में हम उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। नेक्स्ट है टीज द पेशेंट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वाइकल कॉलर यूज एंड अदर मेथड। पेशेंट को हम सर्वाइकल कॉलर के इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे, उसके यूजेज के बारे में बताएंगे और उस सर्वाइकल कॉलर का मेथड क्या होता है उसके बारे में हम बताएंगे। नेक्स्ट है टीच अबाउट प्रॉपर बॉडी मैकेनिज्म। बॉडी मैकेनिज्म के बारे में उसको हम टीच कराएंगे। नेक्स्ट टेल द क्लाइंट अवॉइड लॉन्ग कार ड्राइव्स, यानी कि लंबे समय तक कार को ड्राइव करने से उसको अवॉइड करने के लिए कहेंगे, या फिर लंबे समय तक सीटिंग पोजीशन में बैठने के लिए भी हम उस पेशेंट को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट इनकरेज गुड न्यूट्रिशन एंड अवॉइडेंस ऑफ ओबेसिटी। गुड न्यूट्रिशन लेने के लिए हम एडवाइस करेंगे और ओबेसिटी को अवॉइड करने के लिए कहेंगे। ये था सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। थैंक यू फ्रेंड्स।